वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। भाई अभी अभी सो के उठा हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह सोया था मैं, पिछली वीडियो की एडिटिंग करते करते भाई रात को लेट आए, 2-3 बजे घर पहुँचा था। उसके बाद एडिटिंग करने बैठ गया तो सुबह सो पाया। तो आज भी मेरा एक शो है, अब बस अब अपना दिन स्टार्ट करते हैं और बाकी आगे की स्टोरी दिखाते हैं। आज मैं बनाऊंगा जग्गू दादा की अंडा कड़ी पत्ता। तवा तो गरम हो गया, अब डालते थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यार मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करता हूँ, मेरे को मस्टर्ड ऑयल ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी रिफाइंड तो भाई यूज़ नहीं करता मैं। तो जग्गू दादा के कहे अनुसार ये गया कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। वाह, ये मेरा अंडा, बट मैंने ना एक योक रखा है क्योंकि मेरे को योक थोड़ा पसंद है यार, तो मैंने 2 योक तो हटा दिए। डालते हैं इसमें तड़का। आजा भाई, तो मैंने तड़का लगा दिया अंडे को, अब मैं वापस से तवे में डालूंगा। थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, 2 टोस्ट और अंडा कड़ी पत्ता। नाश्ता करते करते ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आज भी मेरा एक शो है और वो शायद से मेरे घर से लगभग 1 घंटा कहीं दूर है, तो आज मैं आपको अपने एक और बैंड मेंबर से मिलाऊंगा, उनका नाम गगन है। तो वो एक प्रकर्शन प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं कहोन। तो आप देखते हैं आज का गिग कैसा रहता है, और आज का गिग भी कॉर्पोरेट गिग है, और मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूं। पिछले बार मेरी वीडियो ऑलमोस्ट 17 मिनट की कुछ की बनी थी, बट इस बार कोशिश करूंगा कि उससे थोड़ी छोटी रहे। जो पिछला गिग था वो, उस गिग को ख़त्म करने के बाद मैं ऑलमोस्ट रात को घर को 3 बजे पहुंचा था। तो मैं और अक्षय, जो मेरा वोकलिस्ट हमारे बैंड का, हम लोग रात को गिग ख़त्म करके कह रहे यार पान खाना है, तो सीपी में कोई एक पान वाला है, तो पता नहीं क्या नाम था, मीनाक्षी पान करके कोई था, तो उसने मेरे को वो खिलाया, तो वो खा के आते हुए घर पर लेट काफ़ी हो गया था। देन घर पर आने के बाद फिर मैंने उसको वीडियो को थोड़ा एडिटिंग कर रहे बैठा, तो मैं सुबह सोया और इसी वजह से आज मैं लेट उठा 2 बजे तक। बाकी अब आज भी देखते हैं रात को कितने बजे तक आता हूँ, उसके बाद मेरी फिर ये नई वीडियो देखना। तो चलो मैं अब निकल गया हूँ अपने गिग के लिए। यार आप लोग सोचते हो कि गिग क्या बोलता हूँ, गिग बेसिकली शो ही होता है म्यूजिशियंस के लिए,
वैसे तो मुझे भी नहीं पता सही से लेकिन गिगी बोलते हैं, तो देखते हैं आज का शो कैसा जाता है। बाकी आज मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि मैंने अपना अकूस्टिक गिटार जो है वो अपने वोकलिस्ट के घर पर रखवा दिया था, और क्योंकि अगले दिन ही शो था तो सोचा यार ज़्यादा सामान लेके क्यों चलूँ, अगले दिन जब मिलना ही है तो फिर उसी के पास ही रखवा देता हूँ। तो आज भी मेरा ट्रियो गिग ही है और आज मेरे को अकूस्टिक गिटार प्ले करना है। जैसे लास्ट गिग में तो मैंने इलेक्ट्रिक गिटार प्ले किया था, बट आज मुझे अकूस्टिक गिटार प्ले करना है और आज भी कॉर्पोरेट गिग ही है। और पिछले गिग में तो ड्रमर था लेकिन इस गिग में प्रकर्शनिस्ट है, तो अभी मैं मिलवाऊंगा उनसे, तो वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको। मैं कैंपिंग कराने ले गया, यकीन मानोगे, पूरा घुमाने नीचे नहाने के लिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम। एक तो वो था, एक गाइड कर रहा था, वो दो बंदे थे, एक तो आदमी था और एक अपना डॉग था। वो नीचे तक हमें ले गया पहाड़ी से उतार के, ट्रैकिंग करते हुए गए हम, फिर ऊपर आए और वो वहीं पर रहता था पूरी रात। हमने गाना और डांस करा तो वो भी हमारे साथ इंजॉय कर रहा था। उसका नाम था डुगू, बहुत ही प्यारा था। तो हमारे प्रकर्शनिस्ट गगन भैया थे, अभी अपने कुछ बारे में बता रहे थे। अभी ये ऋषिकेश होकर आए तो उसी बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये लो आप लोग मिलो। गगन भैया हेलो बोल दे मेरी ब्लॉग में। हेलो भाई। ऐसे हंस रहे हैं यार। हंसी आ रही है भाई, अभी यार 20 मिनट पहले कुछ बात हुई थी उस पे झटका मार रहा है मेरा शरीर। वेन्यू में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब बस सामान निकाल रहे हैं। और मेरे को पीछे आए उधर की तरफ ट्रस्ट रोड दिख रही है जहाँ पे हमारा स्टेज है, तो वहाँ जाएंगे। आप बॉडी 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 बस वेट कर रहे हैं माइकिंग हो जाए फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे जैसे भी हम से। गांधी जी के तीन मंदिर बैठे हुए हैं और मैं ये कुछ प्ले करके दिखाओगे हल्का सा थोड़ा सा। हाँ ये नीचे जो प्ले हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? किक। और ऊपर स्नेयर। गिटार के साथ आओ एक बार। गगन भैया का और अक्षय का तो हो गया साउंड चेक, बस अब मेरा रहता है। अभी थोड़ा सा माइकिंग का वो लोग वहाँ पे सेट कर रहे हैं, वो देखो। तो बस वो हो जाए उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। Thank you.
मेरा शो देखा था सर ने, थोड़ा सा बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, यू गाइस आर रियली डूइंग अमेजिंग जॉब, दिल से बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं कुछ इस टाइप का टैलेंट सामने आता है और वो भी यंगस्टर्स का, बहुत जिनको लोग जानते नहीं है, जनरली होता क्या है लोग दिखाते जाते हैं टैलेंट कम होता है, बट यहाँ पे मैंने अच्छा टैलेंट दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, स्टार्ट मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। हम म्यूजिशियन आप लोग, आप लोगों का दिन अच्छा करें। रात को आप लोग जब सोने जाओगे तो आपको लगे कि यार आज कुछ अच्छा सुन के सोने जा रहे हैं। थैंक यू ग्रेट लक्ष्मण, कीप इट अप, कीप इट अप। तो शो ख़त्म हो गया भाई, आज बहुत बिजी डे था यार, मैं कहाँ से जा सकता हूँ, कहाँ से जा सकते थे। अभी हमारा शो ख़त्म हुआ तो ये सारे लोग भी बहुत ज़रूरी हैं, इन्होंने मतलब हमारा शो पूरा अच्छा निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप अपना नाम बताओ भैया। मंजीश यादव। आपका? शीलू यादव। आप क्या काम करते हैं ऐसे? जनरेटर, जनरेटर का काम है। तो भाई देखो यार, हमारा शो अच्छा जाए इसलिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, हमारा शो पूरा एकदम फ्लो में रहे, बिजली बिल्कुल ना जाए, हमारा शो अच्छा रहे, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं भैया। भैया को भी तो, और अभी भी इन्होंने मेरे को सब्सक्राइब भी किया है तो आप लोग भी कर दो भाई। कैसा लगा फिर आज का गिग? आज का गिग बहुत अच्छा लगा, और बाकी बहुत अच्छा गाया अक्षय ने, और आपने भी बहुत अच्छा बजाया। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बस। हाँ भाई बहुत अच्छा बजाते हैं, कभी मैं कोशिश करूंगा एक बार। ये भी हम लोग कुछ दिन बाद ना, अभी मैं और काफी सारे हम म्यूजिशियंस जैमिंग करने वाले हैं, तो उस जैमिंग की मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगा, तो साथ में भैया भी रहेंगे, तब आप सुनना हर एक किसी को, और बहुत अच्छा बजाते हैं, तो जैमिंग का मैं दिखाऊंगा व्लॉग, तो मेरे व्लॉग में बने रहना गाइस पक्का। ठीक है, आज का शो बहुत प्यारा गया हमारा, वैसे हर शो जाता हमारा अच्छा है ना, कोशिश तो पूरी रहती है। तो अगर पब्लिक इवेंट का भी रहा तो मैं मेरा इंस्टा, आप डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा हैंडल देता हूँ, तो आप उसमें मेरे को फॉलो कर सकते हो, तो मेरे सारे जो भी शोज़ के अपडेट्स होते हैं उसी में ही होते हैं। तो कभी अगर मैं पब्लिक इवेंट कर रहा हूँगा तो गाइस अगर आप आना चाहो तो ज़रूर आना, थोड़ा मिल भी लेंगे, बात भी कर लेंगे, आप लोग मेरे को देख भी लेना लाइव प्ले करते हुए। तो बस अब आज का गिग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बस अब आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और बस आप सभी को मेरा प्यार, और आप सबका प्यार मुझे। चलो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।